हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टेक्निकल में फिर से दोस्तों नई जॉब की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ थंबनेल देख के आपको समझ आ गया होगा रिक्रूटमेंट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड विद्यालय की तरफ से स्कूल की रिक्रूटमेंट है पीजीटी कंप्यूटर साइंस एल क्लर्क इसके अलावा जो है वो और भी रिक्रूटमेंट है जिसके लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं कुछ रिक्रूटमेंट फ्रेशर्स के लिए है कुछ रिक्रूटमेंट एक्सपीरियंसड कैंडिडेट के लिए है आपने बी बी टैक कर रखी है आपने ग्रेजुएशन कर रखी है आपने मास्टर डिग्री कर रखी है सभी के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट है नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं डिटेल में हम लोग बात करेंगे इसके पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में सेलेक्शन प्रोसेस के बारे में कैसे आपको एप्लीकेशन भेजनी है उसके बारे में बात करेंगे तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए कंप्लीट देखिए ताकि आपको हर एक चीज़ हर एक डिटेल का पता चल जाए तो एक एक करके हम लोग जो है वो बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों रिक्रूटमेंट की पी कंप्यूटर साइंस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर आपने जो है वो 50 परसेंट मार्क्स लिए हुए हैं बी बी आपने कर रखी है कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रखी है आई में कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा एम कर रखी है आपने एम कंप्यूटर साइंस कर रखी है आप इलीजिबल अप्लाई कर सकते हैं बी कंप्यूटर साइंस वाले इलिजिबल हैं बी वाले इलिजिबल हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है संबंधित फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है कंप्यूटर का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है आपके पास आप इलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं लेकिन इसके साथ जो है उन्होंने ये भी लिखा है कि आप ग्रेजुएट हैं साथ में आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बी कर रखी है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे और ये चीज़ डिज़ायरेबल है यानी कि ये जो है वो ऐसा नहीं है कि ये आपके पास है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं आप इसके बिना भी आवेदन कर सकते हैं लेकिन इसमें एक्सपीरियंस जो है वो दो साल का मांगा गया है दो साल का आपका एक्सपीरियंस है टीचिंग का प्रोफिशेंसी होनी चाहिए टीचिंग इन इंग्लिश में आप अप्लाई कर सकते हैं आपकी फोर्टी एयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पच्चीस छः दो हज़ार बाईस तक और जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो डेमो रहेगा डेमो क्लास और पर्सनल इंटरव्यू का इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़े तो सिक्सटी थाउजेंड पर मंथ तक आपको सैलरी मिल जाएगी साथ में लोन ऐसे अलग से डाले जाएंगे इसके अलावा जितनी भी फैसिलिटीज दी जाती हैं वो भी आपको मिलेंगी और आपको आपकी एप्लीकेशन जो है अटेस्टेड फोटोकॉपीज के साथ इनके बताए हुए एड्रेस पे भेज देनी है जो कि पहुँचानी चाहिए 20 छः 2022 तक उनके ये वाले एड्रेस पे और आपको जितनी भी पोस्ट है उसके लिए आपको जो एप्लीकेशन भेजनी है वो सेम मेथड से भेजनी है और सेम एड्रेस पे भेजनी है यहाँ पे उसका एड्रेस दिया हुआ है तो बार बार हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे बाकी आपको पिक्चर लगानी है एक एप्लीकेशन फॉर्मेट होगा उसको फिल करना है साथ में सपोर्टिव डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपीज लगानी है और उनके बताए हुए ये वाले एड्रेस पे भेज देनी है बाकी आप रिज्यूम बायोडाटा है उसमें आपका ई मेल आपका फ़ोन नंबर वो जो है वो मैंशन होना चाहिए बाकी जो लोग शॉर्ट होंगे उनको जो है वो बुला लिया जाएगा इसके अलावा किसी तरह की एप्लीकेशन फीस आपको देने की ज़रूरत नहीं है इसके अलावा दोस्तों एक और पोस्ट है लाइब्रेरी कम जो है वो प्राइमरी टीचर की जिसमें कि आपने बैचलर डिग्री कर रखी है लाइब्रेरी साइंस में 50 परसेंट मार्क्स के साथ यहाँ आप ग्रेजुएट हैं फ्लुएंसी है हिंदी में इंग्लिश में आप जो है वो बिल्कुल एलिजिबल है अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन एम ऑफिस की यहाँ भी दो साल का एक्सपीरियंस मांगा है लेकिन ये डिज़ायरेबल है यहाँ पर साफ साफ उन्होंने लिखा है फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई फ्रेशर्स लोग भी एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं आपकी ये चालीस साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पच्चीस छः दो हज़ार बाईस तक फिफ्टी परसेंट जो मार्क्स आपके होने चाहिए बैचलर डिग्री आपने कर रखी है लाइब्रेरी साइंस में आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं फोर्टी ईयर जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट और डेमो क्लास और पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा सेम सैलरी का स्ट्रक्चर इसमें भी रहेगा जो पिछली पोस्ट में था यहाँ भी लास्ट डेट बीस छः दो हज़ार बाइस रखी गई है और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इसके अलावा दोस्तों ये जो रिक्रूटमेंट है लोअर डिविजन क्लर्क की इसमें आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखी है 55 परसेंट मार्क्स के साथ साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट की है इंग्लिश में या हिंदी में है 30 वर्ड पर मिनट की वर्किंग नॉलेज रखते हैं आप इंग्लिश की हिंदी की साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपको जानकारी है एमएस ऑफिस की आपको जानकारी है आप इलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और जिनके पास दो साल का एक्सपीरियंस है उनको जो है वो ज़्यादा प्रेफर करा जा सकता है लेकिन आप फ्रेशर हैं इलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं आपकी एज भी यहाँ पे फोर्टी ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए लोकेशन आपकी कानपुर में रहेगी स्किल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पे सिलेक्शन आपका होने वाला है फिफ्टीन थाउजेंड जो है वो ग्रॉस सैलरी रहेगी बाकी बाकीो स्टाल के सैलरी थोड़ी बढ़ जाएगी और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा तो ये दोस्तों की फोटो लगानी है और उनके बताए हुए लिखा नहीं गया है बाकी दोस्तों आप देख लीजिएगा जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर लीजिएगा ये एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल करना है आपको और यहाँ पे पिक्चर लगा दीजिएगा दो तीन पिक्चर एक्स्ट्रा आपको भेजनी पड़ेगी अगर ये मिसप्लेस हो जाती है तो दूसरी पिक्चर्स जो है आपके काम जाती हैं तो ये जानकारी दोस्तों दी गई उनकी ऑफिशियल जो है वो नोटिफिकेशन में आप रीड करना चाहते हैं नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नोटिफिकेशन को रीड करें बढ़िया मौका है उन लोगों के लिए जो कि चाहते हैं ये काम करना और एक तरह की परमानेंट जॉब भी आप इसको बोल सकते हैं हो सकता है शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहे लेकिन बाद में इसको जो है वो परमानेंट भी करा जा सकता है बाकी ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही रहेगी फ़िलहाल के लिए बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप इनका नोटिफिकेशन भी करें थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी समझ आई होगी वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछिए चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में